नाग सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर टीन शेड के नहीं होने से इन लोगों को परेशानी होती थी। ऐसे हालात में जनहित संगठन के द्वारा करीब 2 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर टीन शेड का निर्माण किया गया और इसके उद्घाटन अवसर पर स्थानीय विधायक पीएल तंतवाय विशेष रूप से शामिल हुए। टीन शेड लगाए जाने के साथ यहाँ पर पट्टियों का निर्माण भी किया गया, जिससे यहाँ पर आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफ़ी सुविधा हो सकेगी। साथ ही सिविल अस्पताल में आने वाले लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था भी बेहतर हो सकेगी। इस कार्य का उद्घाटन स्थानीय विधायक पीएल तंतवाय के द्वारा अपने साथियों के साथ पहुंचकर किया गया, साथ ही जनहित संगठन का साधुवाद ज्ञापित किया गया। इस ग्रुप में शहर की सफाई हो, नाले पर बधान हो, नदी के घाटों की सफाई हो, मुक्तिधाम में सफाई वृक्षारोपण हो, दवाई दवाओं में वृक्षारोपण हो, चाहे मद्दी के बगीचा में दवाइयों पर निर्माण हो, कुछ भी ऐसे काम जब आए हैं तो जनहित संगठन ने सब लोगों के सहयोग से यह कार्य किए हैं। निवेदन करते हैं डॉक्टर आरपी तंतवाय से कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम यह सेट निर्माण वास्तव में आम जनता के लिए बहुत ही आरामदायक स्थल। अपनी प्रेम के कारण, अपनी सहयोग के कारण आप सब लोग यहां पर आए, इस कार्य में धन्यवाद दिया, उद्घाटन समारोह में धन्यवाद दिया और हमारे मीडिया के साथी पत्रकार साथी आए उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हर पग पर हमारा सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं। संघ के श्री दिनेश पोदार जी का एवं प्रदीप पोदार जी का स्वागत करते हुए हमारे विधायक महोदय जी पूर्व शिशु मंदिर के छात्र सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों के सहयोग से जो आरपी बैठने का कष्ट करें, यह कोरोना महामारी के दौरान जब यहां देखा गया कि बहुत सारी दिक्कतें अस्पताल परिसर में व्याप्त थी, तब डॉक्टरों की ओर से जो बन पड़ रहा था उन्होंने भी किया और करते हुए हमारे विधायक जी भारत माता की जय। एक बार और बोल दे, सुना नहीं पड़ेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भगवान धनवंतरी जी की जय।